तो आज मैंने खेला टोटल 384 आवर इन एप्पल एमसी सर्वर के लाइटलेस एमबी में, एंड आज तुम लोग देख सकते हो मेरे पास कितने सारे पैसे हैं, मतलब लिटरली 646K डॉलर पैसे हैं। एंड आज तुम लोग मेरे हाथ में एक स्पाइडर का स्पॉनर भी देख सकते हो। यस, तुम लोग बिल्कुल सही सोचा, आज हम लोग एकदम मस्त से एक स्पाइडर का स्पॉनर बनाने वाले हैं। एंड आज मैंने सोचा कि मुझे अपने मनी को जो एकदम जैसे तैसे करके 1 मिलियन डॉलर करना है। एंड आई डोंट थिंक सो मुझे इसको करने में ज्यादा कठिनाई होगी, बिकॉज मुझे बस आई थिंक 400K डॉलर चाहिए। सो भी आज के वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग बता दूं कि अभी लाइक के बटन में एकदम मस्त वाला फाड़ वाला एनिमेशन आया, तुम लोग बस एक बार क्लिक करके देखो, तुम लोगों को एकदम मजा आ जाएगा। ओके, सो अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूं हम लोग आज के वीडियो में क्या करने वाले। देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये दिखा देता हूं कि मैंने लास्ट टाइम जो लेजेंड वाला किट खोला था, आई थिंक सो ये मेरे पास एकदम बढ़िया तरीके से अभी रिन्यू हो चुका होगा। मतलब आई थिंक आज 4 दिन बीत चुके हैं, आई थिंक सो आज मैं अपना लेजेंड वाला किट खोल पाऊंगा। बट आज किट खोलने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये पूरा का पूरा अपना जो निंजा का आर्मर है नेदरराइट का, इसको एकदम बढ़िया तरीके से सेल कर देना है। एंड मुझे पता है मुझे लेजेंड के आर्मर से कुछ और मतलब गोल्डन एप्पल एंड गॉड एप्पल्स मिलने वाले हैं। हां, तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे अपने सारे के सारे निंजा के टूल्स एंड आर्मर को भी बेच डालना है। मतलब तुम लोग देख सकते हो मेरे पास पूरा का पूरा निंजा का नेदरराइट आर्मर एंड एक निंजा की क्रॉसबो भी है, तुम लोग देख सकते हो। एंड ये कुछ फालतू के टूल्स वूल्स पड़े, इन सभी को आज मुझे बेचना है। बेचने के बाद उससे मुझे कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे। एंड जो दूसरा काम है कि आज हमें बनाना एकदम बढ़िया वाला स्पाइडर स्पॉनर। मतलब मुझे एक्सपी की बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, तो मैंने इसलिए एक स्पाइडर का स्पॉनर खरीद लिया ऑक्शन से। आई थिंक मुझे कुछ 60,000 का पड़ गया, एंड आई डोंट थिंक सो ये इतना बुरा है 60,000 के रुपए में। एंड अब ये करने के लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने नए वाले घर में, मतलब नए वाले बेस में। एंड मैं तुम लोगों को एक और चीज दिखा दूं भाई, रेंडर हो जा मेरे भाई। तो हां, मैं तुम लोगों को दिखा दूं, मैंने यहां पर ऑलरेडी एक टनल खोद के रखी है, मतलब एक्सपी फार्म बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने यहां पर एक कमरा खोद के रखा। एंड लिटरली आधे से ज्यादा काम भी नहीं हुआ है, मतलब कुछ काम नहीं हुआ है अभी। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा काम करना है, मुझे इस कमरे को पूरी तरीके से 5x5 का बनाना है। एंड उसके बाद एकदम बढ़िया तरीके से मिडिल में स्पॉनर का रखना है। एंड स्पॉनर रखने के बाद मुझे उसका क्या बोलते हैं, पानी वानी डाल के सब कुछ करना पड़ेगा, ताकि जो एक्सपी फार्म एकदम प्रॉपर से वर्क करे। तो स्पॉनर को एकदम संभाल के यहाँ पर रख देते हैं, मतलब लिटरली अगर कहीं पर राइट क्लिक हो जाता ना भाई, तो वहीं पर लग जाता हमारा स्पॉनर। ओके, अभी के लिए तो मैंने ये स्पॉनर एकदम संभाल के चेस्ट में रख दिया। एंड तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक बैकअप का हट रखा है, ताकि अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ जाए तो मैं उसको यूज कर सकूं। हाँ, तो अभी सबसे पहले मुझे एक्सपी फार्म पर काम करने से पहले जो करना है कि अपना पुराना वाला पूरा का पूरा टूल्स एंड आर्मर बेचना है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था। तो उसके लिए मुझे आई थिंक एक नया चेस्ट बनाना पड़ेगा सारा का सारा अपना सामान रखने के लिए। सो एक बढ़िया सी 2 चेस्ट बना देते हैं, मतलब डबल चेस्ट बना देते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके सर, मुझे जितनी भी चीजें बेचनी थी मैंने उन सबको इस चेस्ट में रख दिया। तुम लोग देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आर्मर सजा के रख दिया है चेस्ट में। एंड हमारे ये डायमंड की सोड अभी बिल्कुल बेचने नहीं वाला, मतलब ये पूरा का पूरा डायमंड सोड मैंने खुद बनाया है, मैंने ये कोई किट से निकाला नहीं है। इसको बनाने के लिए लिटरली मुझे बहुत सारी एक्सपी लग गई। बट हाँ, ये डायमंड की सोड लिटरली बहुत ओपी है, मैं इसको फ्यूचर में जाकर नेदरराइट में कन्वर्ट कर दूंगा। बट नेदरराइट में कन्वर्ट करने से पहले मुझे इसमें एक और एन्चेंटमेंट लगानी है। आई थिंक इधर एक और सोड रखी थी नॉकबैक की। यस, तो यस, मैं जब तक इन दोनों सोड को कंबाइन नहीं कर लेता मैं तब तक इसको नेदरराइट में कन्वर्ट करने नहीं वाला। तो अभी के लिए मैंने इसको डायमंड की रखने वाला हूँ। ओके सो गाइस, अभी मुझे पता चला है कि मेरा पूरा का पूरा लेजेंड का आर्मर मुझे मिलने वाला है लिटरली 8 घंटे बाद। तुम लोग देख सकते हो 8 घंटे मुझे और इंतजार करना पड़ेगा अपना पूरा का पूरा लेजेंड का आर्मर लेने के लिए। बट देखो, अभी मैं 8 घंटा तो इंतजार कर नहीं सकता इन सभी चीजों को बेचने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, 8 घंटा इंतजार कर लेता हूँ, बट अभी सबसे पहले इन सबको बेच देता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक अभी मुझे 8 घंटे के लिए नंगा घूमना पड़ेगा, बिकॉज अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा आर्मर यहाँ से उठाते हैं एंड इसको एकदम से बेच डालते हैं। एंड मैं एक बार इसके एन्चेंटमेंट चेक करता हूँ, प्रोटेक्शन 2 एंड अनब्रेकिंग 2 आई थिंक सो इसको कुछ। ओके, सो अभी मैंने चेक किया है कि इस वाले जो आर्मर में लगा है इसमें लगा है प्रोटेक्शन 2 एंड अनब्रेकिंग 2। तो अभी के लिए मैंने सोचा है कि इसको कुछ 250K डॉलर में बेचें। सो आई थिंक सो अभी इसको कुछ 250,000 में बेचने वाला हूँ। सो इसको एकदम बढ़िया तरीके से बेच देते हैं। ये हैज सेल करना है एंड आई थिंक 250,000 एकदम बढ़िया तरीके से। एक इसको कॉपी कर देते हैं इसको सब। मैंने अपनी पूरा का पूरा भी अपना जो आर्मर है उसको बेच डाला है एंड आई थिंक यहाँ पर मेरे पास कुछ यहाँ पर ओके टूल्स भी है, इसको भी बेच देते हैं बिकॉज इसको मुझे अभी यूज करना ही नहीं है। ओके, आर्मर तो भी बेच दिया, अभी बो एंड क्रॉस बो भी बेच डालते हैं। इसमें लगा है फ्लेम मैंडिंग पावर 2 पंच 1 अनब्रेकिंग 1। भाई बहुत तगड़ी एन्चेंटमेंट लगी है, देखा जाए तो इसको मुझे कुछ 350,000 में बेचना चाहिए, जो आई थिंक इतना भी महंगा नहीं है। तो इसको एकदम 350,000 में बेच देते हैं। ओके, अभी आर्मर एंड टूल्स बेचने के बाद मेरे पास बचा है बस ये 2 गोल्डन एप्पल। एंड मैंने सोचा इस गोल्डन एप्पल को बेचूंगा मैं एकदम से 4 लाख रुपए में, बिकॉज आई थिंक एक का कॉस्ट कुछ 2 लाख होने वाला है, जो इतना भी मतलब बुरा नहीं, बिकॉज गाइस गोल्डन एप्पल बहुत रेयर होते हैं। ओके, सो आज मैं बेचने वाला हूँ कुछ 4 नेदरराइट के इंगट 5 लाख रुपए में। सो आई थिंक एकदम बढ़िया तरीके से मुझे अंडर सी करना है एंड यहाँ से निकालना है आई थिंक 1 ब्लॉक
एंड एक से आई थिंक कुछ 9 मिलता है हमको, एकदम बढ़िया तरीके से इसके 9 निकाल देते हैं। कभी 9 मिल गए हमको एंड आई थिंक एंडरसन से मेरे पास थोड़ी सी और इंगट पड़ी थी, इसको एकदम रख देते हैं एंड मुझे अभी चाहिए बस 4 एंड इस 7 को यहाँ पर रख देते हैं एंड इस 4 को मैं लिटरली अभी 5 लाख में बेचने वाला हूँ। ओके, अब मैंने 4 नेदराइट की इंगट 5 लाख में बेचनी है, बिल्कुल भी मतलब बुरा डील नहीं है, मतलब लोग 2-2 नेदराइट को मतलब ऐसे 5 लाख में बेचते, मैंने 4 को बेच दिया। ओके, आई थिंक अभी ऑक्शन का जितना भी काम था मैंने पूरा का पूरा कर दिया है, मतलब जितना भी बेचने का काम था पूरा का पूरा भी खत्म हो चुका है। अभी हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से हमारे बेस में चलते हैं एंड अभी बेस में आने के बाद हमारा रियल ग्राइंड अभी शुरू होता है, मुझे पूरा का पूरा ये कमरा एकदम से एक्सपी फार्म में कन्वर्ट करना है। ओके, अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना कमरा जो है मतलब ये जो एक्सपी फार्म मिला मेरा कमरा है इसको एकदम बढ़िया तरीके से अभी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं एंड कमरे को जल्दी से बड़ा करके आपसे मिलता हूँ अपनी 2 मिनट में। ओके, सो गाइस फाइनली 1.5 घंटे बाद जाके मेरा पूरा का पूरा कमरा खोदने का काम खत्म हो रहा है। ओके, सो गाइस फाइनली, भाई साहब इतना ज्यादा मुश्किल था ना ये कमरा खोदने का काम, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता भाई, एक्सपी फार्म बनाना इतना मुश्किल होता है मेरे को पता ही नहीं था, मतलब लिटरली 1.5 घंटा लग गया मुझे इस पूरे को पूरे कमरे को खोदने में एंड भाई 10 YouTube वीडियो देखने के बाद मेरे को जाके समझाए कि मुझे बनाना कैसा एक्सपी फार्म को। ओके, सर मैं तुम लोग को बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है, तुम लोग देख सकते हो मैंने इस कमरे को एकदम से 9x9 में खोदा है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर एकदम 9 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब ये वाला साइड हमारा एकदम से 9 हो रहा है एंड इधर की भी देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यस यहाँ पर भी हमारा एकदम से बढ़िया सा 9 हो रहा है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये वाला कमरा हमारा अलग वाला कमरा है एंड ये वाला कमरा जहाँ से यहाँ से कटा हुआ है ना ये वाला हमारा एक्सपी फार्म वाला कमरा हो रहा है। तो अभी तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर पानी डालना है एंड पानी डालने के बाद मुझे स्पॉनर प्लेस करना है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पर कुछ इनफाइनाइट वाटर सोर्स, मैं जल्दी से इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना लेता हूँ यहाँ पर, आई थिंक सो मेरे यहाँ पर चेस्ट में। ओके भाई चलो यार, लकीली मेरे पास यहाँ पर 2 चेस्ट है, मतलब 2 चेस्ट बोल रहा हूँ 2 बकेट है, मुझे एकदम मस्त से RTP होना है एंड आई होप सो यहाँ पर कुछ पानी का, वाह भाई पानी लेने आया हूँ डेजर्ट में छोड़ दिया। ओके, डेजर्ट में छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं मिलेगा भाई, डेजर्ट के अंदर ही उल्टा पानी मिला हमको, कोई बात नहीं चलो एकदम मस्त से यहाँ से हम लोग पानी उठाते हैं एंड जल्दी से हम लोग वापस से बैक हो जाते हैं। ओके भाई क्या स्पेलिंग। ओके, अब मैं एकदम मस्त से 2 बाल्टी पानी लेके आ चुका हूँ एंड मुझे आई थिंक कुछ यहाँ पर इन्फाइनाइट का वाटर सोर्स बना लेना चाहिए यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से एंड यहाँ पर एंड यहाँ से 2 बकेट उठा लेते हैं एंड आई थिंक सो मुझे यहाँ पर एक पानी की बकेट छोड़नी है एंड यहाँ पर एक पानी का बकेट छोड़ लिया एंड आइए देखो एंड ये एकदम बढ़िया तरीके से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तुम लोग देख सकते हो मुझे अभी इसके ब्लॉक्स को तोड़ना है एकदम मस्त से। ओके सर, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अभी इसके साइड के ब्लॉक्स को तोड़ना है एकदम बढ़िया से, तो मैं जल्दी से करके आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। ओके, अभी फाइनली जो एक्सपी फार्म एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया एंड एकदम प्रॉपरली चल भी रहा है, मैं तुम लोगों को एक बार टेस्ट करके दिखा लेता हूँ, हम इसको जैसे भी मारते हैं हम लोगों को एक्सपी भी मिल जा रही है एकदम प्रॉपर से, तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ओके जल्दी जल्दी, ओके तुम लोग देख सकते हो एक्सपी मिल रही है एंड यहाँ पर चीजें कलेक्ट भी हो रही है हमारी स्पाइडर की। सो या आई थिंक ये अभी एकदम प्रॉपरली चल रहा है, अगर ये थोड़ा सा स्लो काम दिया तो मैं आई थिंक फ्यूचर में एक और स्पॉनर खरीद के अंदर लगा दूंगा, जिससे कि 2 स्पॉनर से बहुत सारे आना चालू हो जाएंगे एंड अभी के लिए तो मेरा जो लास्ट काम है कि मैंने वो पहले से ही सोच के रखा था कि मुझे जो अपना ये कमरा है इसको एकदम थोड़ा सा सुंदर बनाना है, बिकॉज इतना गंदा दिख रहा है मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, तो मैं जल्दी से ये लास्ट काम खत्म करके आपसे मिलता हूँ बस 10 मिनट में, सॉरी 2 मिनट में। सो गाइस, अभी तुम लोग देख सकते हो मैंने जो अपना एक्सपी फार्म का कमरा है इसको एकदम सुंदर बना दिया, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरे पास कुछ एंडस्टोन के ब्लॉक बच गए थे तो मैंने यहाँ पर लगा दिया एंड एंडस्टोन के ब्लॉक्स के साथ बहुत मतलब प्यारा लग रहा है। ओके सो देखो, अभी मैं तुम लोगों को एक मेन चीज बता देता हूँ, देखो मुझे पता है मैं यहाँ से अपने एक्सपी फार्म में जा सकता हूँ बट मैं /home करके जब एक्सपी दबाता हूँ तभी मैं एक्सपी फार्म पे जाता हूँ। देखो मैंने इस एक्सपी फार्म को अपने घर तक कनेक्टेड इसीलिए नहीं किया बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपी फार्म कोई ढूंढ सकता है, बिकॉज इसके ढूंढने के चांसेस है, बिकॉज भाई स्पाइडर बहुत ज्यादा नॉइस करते हैं, मतलब लिटरली स्पाइडर इतना ज्यादा आवाज करते हैं कि कोई भी ढूंढ लेगा, मतलब किसी को भी पता चल जाएगा कि नीचे किसी का स्पॉनर है, तो बस इसी की वजह से मैंने ये एक्सपी फार्म जो है मैंने ये घर तक कनेक्टेड नहीं रखा ताकि कोई मेरा घर ढूंढ ना सके, मतलब एक्सपी फार्म कोई ढूंढ लिए तो मतलब चलेगा बट घर अगर किसी ने ढूंढ लिया तो भाई फट जाएगी। एंड अभी मैंने ये एक्सपी फार्म जिस काम के लिए बनाया था उसके लिए अब मैं इसको यूज करने वाला हूँ, एकदम मस्त अभी अपने बेस में जाने वाला हूँ एंड मैं तुम लोग को एक और चीज दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ से लावा हटा के पानी गिरा दिया बिकॉज यहाँ पर जब मैंने लावा डाला था मेरे बुक सेल्फ लिटरली जल गए एंड अभी मैंने ये 2 लावा यहाँ पर डाल दिया एंड आई डोंट थिंक सो क्राफ्टिंग टेबल एंड चेस्ट लावा से जलेंगे बिकॉज ये आई थिंक फायर रेजिस्टेंस है पता नहीं कैसे। हाँ तो अभी मैं वो काम कर लेता हूँ जिसके लिए मैंने लिटरली एक्सपी फार्म बनाया है, मेरे पास यहाँ पर एक नॉकबैक की स्वॉर्ड रखी थी आई थिंक सो यहाँ पर एंड यस मुझे इसको अपने स्वॉर्ड के साथ कंबाइन करना है, इसको एकदम मस्त से जल्दी से कर देते हैं एंड मैंने इसका नाम भी दे दिया AKG स्वॉर्ड बोल के एकदम मस्त से एंड अभी मैं इस डायमंड के स्वॉर्ड को कन्वर्ट कर देता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से नेदरराइट में
एंड देयर वी गो गाइस, तुम लोग देख सकते हो मेरा ये स्वर्ड कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, मतलब भाई नेदरराइट का बना दिया है। एंड सबसे मेन चीज तो ये कि ये स्वर्ड मैंने पूरा का पूरा खुद से बनाया एंड पीछे आग लग गई है पता नहीं कैसे। एंड आई थिंक सो अभी दैट्स इट फॉर द वीडियो, मतलब भाई आज के वीडियो में क्या ही मजा आ गया, लिटरली हमने इतना फाड़ू वाला एक्सपी फार्म बनाया है किसी ने सोची ना होगी। मतलब लिटरली मैंने एक्सपी फार्म बहुत अच्छा बनाया, मुझे नहीं लगा था मैं एक्सपी फार्म बना भी पाऊंगा इतना अच्छे से। एंड अभी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर तुम लोगों को मेरे साथ खेलना है तो प्लीज मेक श्योर ज्वाइन अ डिस्कॉर्ड सर्वर, नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड मैं मिलता हूं तुम लोगों से एकदम नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।